जहां देश में चारों ओर कोरोना महामारी की हाहाकार मची हुई है, वहीं प्रशासन, पुलिस, डॉक्टर, नगरपालिका इस महामारी से लड़ने के लिए तैयार है। इसी क्रम में कुरवई महिला बाल विकास भी आगे आया है। मास्क और सैनिटाइजर का निर्माण वह अपनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से करवा रहा है। महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी फिरदौस अख्तर राइन ने बताया कि अनुभागीय अधिकारी द्वारा हमें कपड़ा उपलब्ध कराया गया है। हम उस कपड़े से अपनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा डबल लेयर के मास्क का निर्माण करा रहे हैं और प्रशासन द्वारा यह मास्क आम जन में बांटे जा रहे हैं। इसके पहले हम तकरीबन 600 मास्क का निर्माण करा चुके हैं जो प्रशासन द्वारा आम जन में बांटे गए हैं। हमारे पास साधन कम थे इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही थी, परंतु अब साधन बढ़ा लिए गए हैं और ज़्यादा संख्या में हमारे द्वारा मास्क का निर्माण किया जा रहा है जिसे आम जन तक पहुँचाया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि हमारी कार्यकर्ताओं द्वारा एक घरेलू सैनिटाइजर का निर्माण भी किया गया है जिसका सैंपल उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी को जाँच के लिए भेजा है। विदिशा से आशीष सेले की रिपोर्ट। लेकिन इसकी बहुत कमी महसूस हो रही है, मार्केट में मिल नहीं रहा है, दुकानों पर बहुत मुश्किल मिल पा रही है, हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रही है। तो इसका एक सोचा कि इसको थोड़ा बनाया जाए जो सस्ते रेट में मिल जाए, जो हर आदमी हर व्यक्ति तक ये उपलब्ध हो जाए। तो इसमें बहुत सस्ता सामान लिया है, एलोवेरा जेल, ये एक पत्ती का निकाला मैंने, एक पत्ती का एलोवेरा जेल का इसका जेल बना लिया था मैंने, जो ये मिक्सी में पीस कर रखा है। इसमें एक पत्ती के एलोवेरा जेल में 2 चम्मच टीस्पून डिटॉल डाली मैंने, 1 चम्मच गुलाब जल डाला मैंने, 1 चम्मच ग्लिसरीन डाली मैंने और 8 से 10 बूंद तेल की डाली, बादाम तेल की 8 से 10 बूंद, ताकि नमी बनी रहे। और ये इस तरीके से मात्र 10 मिनट में ये तैयार हो गया है। और 1 cc, इतनी बड़ी 1 cc घर के अगर हम बनाते हैं तो ये मुश्किल से 7 से 8 रुपये इसका खर्च आ रहा है जो कि बन सकता है। और ये गांव में एलोवेरा बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है और ये सारा सामान भी मिल सकता है। ये हम अपनी कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं और आशाओं को बता रहे हैं कि अगर उपलब्धता नहीं है तो इसका भी उपयोग किया जा सकता है। परियोजना कुरवाई से मैं परियोजना अधिकारी फिरदौस अख्तर राइन। हम लोग कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए लगातार मास्क बनाने का काम कर रहे हैं। हमारे जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, सहायिका हैं, पर्यवेक्षक हैं और इसके साथ ही हम लोगों ने भी कुछ सैनिटाइजर्स भी बनाने के प्रयोग किए हैं जिनके कुछ सैंपल हमने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को उपलब्ध कराए हैं। और अभी तकरीबन 650 के आसपास हम मास्क बना चुके हैं और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जा चुका है। अभी चूँकि हमारे पास साधन पर्याप्त नहीं थे तो हम लोगों ने अपने शहर की वर्कर से जो अवेलेबल थी उनसे हम लोगों ने ये काम लिए और सारे मास्क डिस्ट्रीब्यूट कराए। और इसके साथ ही अभी हमारा जो डोर टू डोर सर्वे चल रहा है उसमें स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग और नगर पालिका के कर्मचारी और पंचायत के विभाग की तरफ से ये पूरा इनके समन्वय से हमारा जो प्रशासनिक अमला काम